गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ. हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर फर्स्ट, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो हमने अभी तक अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट ऑलमोस्ट कर लिया है. अभी अपना जो लास्ट पार्ट है वो बचा है चैप्टर का. तो चलिए शुरू करते हैं अपना लास्ट पार्ट चैप्टर का. सेप्रोट्रॉप्स अपना लास्ट ऑलमोस्ट लास्ट जो टॉपिक है वो सेप्रोट्रॉप्स है. यू नो दैट सम ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड, वी कॉल दीज ऑटोट्रॉप्स. मतलब जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं. स्वपोषी कहते हैं. जो पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या होते हैं? स्वपोषी. एंड यू नो दैट सम ऑर्गेनिज्म ईट फूड एज ए ऑटोट्रॉप्स, दैट ऑटोट्रॉप्स मेक. मतलब जो ग्रीन प्लांट खाना बनाते हैं उनको एज ए फूड जो ईट खाते हैं वो क्या होते हैं? हेटरोट्रॉप्स या विषमपोषी. एनिमल्स या फिर ह्यूमंस जो है वो सारे क्या है? विषमपोषी या हेटरोट्रॉप्स है. इसके अलावा एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसके बारे में हम बात करेंगे. हेटरोट्रॉप्स डिपेंड ऑन दी अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड. मतलब जो विषमपोषी होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं भोजन के लिए. हर्बिवोरस ईट प्लांट, मतलब जो शाकाहारी होते हैं वो प्लांट्स खाते हैं. कार्निवोरस ईट अदर एनिमल्स, मांसाहारी क्या करते हैं? एनिमल्स खाते हैं. सम ऑफ दीज हेटरोट्रॉप्स डोंट ईट अदर लिविंग प्लांट और एनिमल. मतलब इनमें से कोई ऐसे मतलब जीव है, ऑर्गेनिज्म है जो ना तो प्लांट खाते हैं ना एनिमल खाते हैं. दे गेट देयर एनर्जी फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म. मतलब जो मर चुके हैं या फिर जो क्षय हो चुके हैं, डीके हो चुके हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को खाने वाले क्या होते हैं? कुछ हेटरोट्रॉप्स होते हैं. ऑर्गेनिज्म दैट गेट देयर एनर्जी फ्रॉम डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स. तो जो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेप्रोफाइट्स जिनको बोलते हैं मृत जीव पोषी. तो मतलब जो मृत जीवों को खाने वाले, मृत जीवों से पोषण ग्रहण करने वाले वो क्या होते हैं? सेप्रोट्रॉप्स होते हैं. जैसे मशरूम. हाउ डू सेप्रोफाइटिक गेट देयर एनर्जी? इनको एनर्जी कहां से मिलती है? ये भोजन कैसे करते हैं सेप्रोफाइट जो होते हैं? Because these things were never alive. Fungus is a saprophyte. It can take nutrition from things that were once alive. मतलब जो चीज़ कभी जिंदा थी नहीं, जैसे ग्लास और मेटल, उसके ऊपर फंगस कैसे लगेगी? उसको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? ये सिर्फ उसी चीज़ पे लगती है जो क्या थे? कभी अलाइव थे. फंगस को हम देख नहीं सकते. मतलब फंगस अचानक से लगती है. तो आपने कभी सोचा कि फंगस ऐसे अचानक से कैसे लगती है? कहाँ से आती? फंगस है क्या? तो ये एक तरीके का बीजाणु है. बीजाणु इन द सेंस कि बहुत मतलब बीज से या जो आपके सीड्स होते हैं उससे भी छोटा कोई, जो नेकेड आई से दिखाई नहीं देता, इतना सूक्ष्म क्या होता है? बीजाणु होता है. फंगस ग्रोज फ्रॉम स्पोर. स्पोर्स जो होते हैं बीजाणु होते हैं. मतलब इतनी छोटी चीज़ होती है, मतलब बीज से भी छोटे, बीज के भी अणु बीजाणु स्पोर्स. तो इनको फ्रॉम नाउ यू कैन थिंक ऑफ देम एज काइंड ऑफ अ लाइक सीड ऑफ फंगस. मतलब फंगस की सीड्स होती है. थ्रू साइंटिस्ट डोंट कॉल देम सीड्स एज देयर स्ट्रक्चर इज नॉट क्वाइट लाइक सीड. मतलब साइंटिस्ट जो इनको सीड कंसिडर नहीं करते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और सीड के स्ट्रक्चर के बिल्कुल नहीं होते. लेकिन इनको आप क्या बोल सकते हो? मतलब उसकी फंगस की सीड्स होती है, उसको क्या बोलते हैं? स्पोर बोलते हैं. बीजाणु, जिनको बीजाणु बोलते हैं. द स्पोर आर रियली टाइनी एंड वेरी लाइट. दे आर जनरली प्रेजेंट इन एयर अराउंड अस. मतलब जो स्पोर्स होते हैं, आपने कभी देखा होगा धूप के अंदर जब मिट्टी उड़ती है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. तो चारों तरफ अपने क्या है? उसी तरह से बीजाणु प्रेजेंट है, फंगस के बीज प्रेजेंट है. तो ये बहुत टाइनी होते हैं और बहुत लाइट होते हैं, मतलब हवा में तैरते रहते हैं. फंगस ग्रोज फ्रॉम स्पोर्स. द स्पोर्स लैंड ऑन ऑल काइंड ऑफ सरफेस दैट दे कम इन कॉन्टेक्ट विद. वैन दे लैंड ऑन समथिंग दैट इज वेट एंड वॉर्म एंड कैन गिव दैम न्यूट्रिशियन दे जर्मिनेट. मतलब जो फंगस जो होती है वो बीजाणु होते हैं, स्पोर्स होते हैं, वो जिसके भी संपर्क में आते हैं वहाँ पर क्या होते हैं? खुद अपने आप पैदा हो जाते हैं. और ऐसी चीज़ ये जब वेट और वॉर्म जो कंडीशन है वहाँ पर आते हैं तो इनको न्यूट्रिशन मिलता है और ये वहाँ पर पनपने लगते हैं.
द स्पोर्ट्स ग्रो वेन दे लैंड ऑन समथिंग, जब ये स्पोर्ट्स किसी चीज़ के ऊपर गिरते हैं, और वो चीज़ क्या होती है, अगर वेट है या फिर वार्म है, जो आइडियल कंडीशन बन जाती है उनके बढ़ने के लिए, जो उन्हें न्यूट्रिशन देती है. वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस आर आइडियल फॉर स्पोर्ट्स टू जर्मिनेट इनटू फंगई. तो वह मतलब गर्म और ह्यूमिडेट, जो आर्द्रता वाला माहौल होता है, जिसमें माहौल में जैसे बरसात के दिनों में क्या होती है, फंगस ज़्यादा लगती है, तो ऐसी कंडीशंस क्या होती है, आइडियल्स होती हैं स्पोर्ट्स के लिए, उनको बढ़ने के लिए, फंगस को बढ़ने के लिए ऐसी कंडीशंस क्या होती है, आइडियल होती है. जैसे एग्जांपल दिया मैंने अभी, बारिश के दिनों में क्या होती है, ब्रेड जो होती है वो पड़े पड़े बाहर अगर आप उसको छोड़ दो तो उसके ऊपर एक या दो दिन में ही क्या हो जाएगी, अपने आप फंगस लग जाएगी. क्यों? क्योंकि बारिश का मौसम क्या होता है, फंगस के लिए एक आइडियल मौसम होता है, और ऐसी सरफेस पे गिर के जहाँ से उसको क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्पोर्ट्स जो है किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फंगई में कन्वर्ट हो जाते हैं. इसीलिए उन चीज़ों को मतलब फंगई को बढ़ने से रोकने के लिए या फिर लगने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, चीज़ों को फ्रिज में रखते हैं. दैट्स वाई वी कैन कीप फूड सेफ फ्रॉम फंगई लॉन्गर इन ए फ्रिज. इनको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रिज में रखते हैं. What did we just learn? अभी इतना जो हमने पढ़ा उसमें हमने क्या 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 डिस्कस किया. सम ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो कुछ ना के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन मिलता है उनको डेड और डिकेइंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सड़े गले या फिर जो मृत जीव होते हैं, उन ऑर्गेनिज्म के थ्रू उनको क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है. और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स एंड द न्यूट्रिशन मोड इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट या फिर मृत जीव पोषी, और मृत जीवी और ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, मृत जीव पोषण, मृत जीव पोषण. फंगस एंड मशरूम्स आर एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोफाइट्स, मतलब फंगस और जो मशरूम है वो क्या है, इनके एग्जाम्पल है. फंगई ग्रो थ्रू स्पोर्स, द स्पोर्स आर प्रेजेंट इन दी एयर. तो फंगई जो होती है वो बीजाणु के द्वारा जनरेट जर्मिनेट होती है, बढ़ती है, और ये जो बीजाणु होते हैं, स्पोर्स जो होते हैं, ये हमारे चारों तरफ वायु में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं. वेन दे लैंड ऑन ए मॉइस्ट ऑर्गेनिक सरफेस दे कैन जर्मिनेट, जब ये क्या करते हैं, किसी नमी वाले ऑर्गेनिक सरफेस पे क्या करते हैं, टच में आते हैं, संपर्क करते हैं, लैंड करते हैं, वहाँ पे क्या हो जाते हैं, खुद ब खुद बढ़ने लग जाते हैं, वहाँ पे उनको क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है. फंगस स्प्रेड फास्टर इन द रेनी सीजन एज द कंडीशंस आर बेटर फॉर इट टू ग्रो. फंगस जो होती है वो क्या होती है, रेनी सीजन में ज़्यादा लगती है, क्योंकि जब रेनी सीजन में जो कंडीशंस होते हैं, ह्यूमिड जो होता है बाहर का एनवायरनमेंट, वो क्या होता है, इसके लिए आइडियल होता है उसको बढ़ने के लिए. तो यहाँ पे जो अपना सेप्रोट्रॉप्स है वो कंप्लीट हो जाता है. इसके बाद में आता है सिम्बायोसिस. सिम्बायोसिस का मतलब क्या है, सहजीविता. तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक क्या हो गया अपना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. सिम्बायोटिक का मतलब होता है सहजीविता, सहजीविता संबंध, मतलब सहजीविता का मतलब होता है एक साथ लिविंग टुगेदर या एक साथ रहना. तो चलिए पढ़ते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स. Did you know that organism can live and work together? जितने भी organism हैं वो एक साथ भी रह सकते हैं और काम कर सकते हैं. कैसे? Sometimes this relationship can be helpful for
बोथ, मतलब जो दोनों के लिए क्या होती है, इस तरह की जो रिलेशनशिप होती है जिसमें वो एक दूसरे के साथ रह के काम करते हैं वो क्या होती है, बेनिफिशियल होती है, पार्टनरशिप टाइप. व्हेन टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर इन अ हेल्पफुल वे वी कॉल्ड इट सिम्बायोसिस. जब दो अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं इन अ हेल्पफुल वे, मतलब अच्छे एक तरीके से, तो हम उसे क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस या सहजीविता. सिम्बायोसिस इज अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स लिविंग टुगेदर. सिम्बायोसिस क्या है, एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है साथ साथ रहना. लेट अस टेक अ लुक एट सम सिम्बायोटिक बायोसिस इन प्लांट. मतलब प्लांट्स के अंदर सिम्बायोसिस या सहजीविता क्या होती है. देर आर अ सर्टन स्पेशल फंगस दैट लिव्स इन द रूट ऑफ ट्री. कुछ फंगस क्या होते हैं, ट्री के रूट्स में रहते हैं, पादप के जो जड़े हैं वहाँ पे रहते हैं. नाउ मोस्ट फंगस कोज डिजीजेज इन प्लांट. लेकिन मोस्ट ऑफ जो फंगस होते हैं वो प्लांट्स में क्या करते हैं, डिजीज बनाते हैं. लेकिन कुछ फंगस ऐसे होते हैं, दिस पर्टिकुलर वन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज डिफरेंट. ये जो है ये क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. ये प्लांट को बीमार नहीं करते बल्कि क्योंकि उसके लिए क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, उसको फ़ायदा पहुंचाते हैं. द फंगस ग्रोज ऑन द रूट्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम द स्पोर इन द सॉयल. तो ये फंगस क्या होते हैं, प्लांट की रूट में बढ़ते हैं. ठीक है, मतलब मिट्टी और मिट्टी के अंदर की तरफ दबे हुए हैं और प्लांट के रूट्स में क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं. एज द फंगस ग्रोज इट स्प्रेड डीपर इनटू द सॉयल फार डीपर देन द रूट्स कैन रीच. ये जब बढ़ते हैं तो ये इतनी गहराई में चले जाते हैं जहाँ पे पादप जो आपके प्लांट है उसकी रूट मतलब जड़ें भी नहीं जा पाती है. और वहाँ से जो न्यूट्रिशन, सॉयल से जो न्यूट्रिशन मिलता है वो प्लांट को अवेलेबल कराते हैं और बदले में प्लांट जो है वो उनको क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट देता है. देन द फंगस टेक इन दीज मिनरल्स एंड गिव इट टू द रूट्स ऑफ द प्लांट टू ग्रो. इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड इट विद कार्बोहाइड्रेट्स. तो ये फंगस जड़ों में लग गई, वहाँ पे बढ़ रही है और बढ़ने के बाद में वो गहराई में चली जाती है, वहाँ से मिनरल्स लेती है, प्लांट को देती है. प्लांट क्या करता है, बदले में कार्बोहाइड्रेट मतलब जो भोजन बनाता है वो उसको प्रोवाइड करवाता है. द प्लांट बेनिफिट्स ग्रेटली बिकॉज इट कुड नॉट हैव एब्जॉर्ब सो मैनी मिनरल्स विद जस्ट इट्स ओन रूट्स. मतलब प्लांट अपनी जड़ों से जो मिनरल्स नहीं मिल रहा था उसको उस जो फंगस उससे मिलता है. द फंगस ग्रेटली बेनिफिट्स बिकॉज इट कुड नॉट लिव विदाउट द कार्बोहाइड्रेट. फंगस को जिंदा रहने के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए जो उसको प्लांट ने प्रोवाइड करवाया, प्लांट को मिनरल चाहिए जो उसको फंगस ने प्रोवाइड करवाया. तो दोनों के बीच में यहाँ पे क्या हो गया, एक रिलेशनशिप बन गया, हेल्दी रिलेशनशिप बन गया, हेल्पफुल रिलेशनशिप बन गया. सो द बोथ फंगस एंड द प्लांट आर बेनिफिटिंग फ्रॉम ईच अदर, दैट इज सिम्बायोसिस. यही क्या है, सहजीविता या सिम्बायोसिस है. यू नो दैट देर आर सम बैक्टीरियाज दैट लिव इन स्वोलन नोडल्स ऑन द रूट्स ऑफ सम प्लांट. मतलब जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती है वो कुछ फुली फुली होती है, उनमें गांठें होती हैं, उनमें कुछ क्या रहते हैं, बैक्टीरियाज रहते हैं. दीज बैक्टीरियाज फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर इनटू द सॉयल सो दैट द प्लांट कैन एब्जॉर्ब इट. ये जो जड़ों में बैक्टीरियाज रहते हैं ये वायुमंडल जो एनवायरनमेंट की एयर की जो नाइट्रोजन होती है उसको डायरेक्ट क्या करते हैं, फिक्स करते हैं. मतलब उसको सीधे ही नाइट्रोजन के दूसरे जो प्लांट को चाहिए वहाँ से क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं या फिर उस नाइट्रोजन को पेड़ को प्रोवाइड करवा देते हैं. प्लांट को उससे क्या मिलती है, नाइट्रोजन मिलती है. और बदले में प्लांट क्या करता है, इनको रहने के लिए जगह देता है और खाना देता है. तो इनको इनका भी फायदा होता है, मतलब जो बैक्टीरियाज होते हैं उनका भी फायदा होता है और प्लांट का भी फायदा होता है, क्योंकि प्लांट को क्या मिल रही है, नाइट्रोजन मिल रही है और उसको क्या मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है. द प्लांट प्रोवाइड द कार्बोहाइड्रेट डेट इज सिंथेसाइज टू द बैक्टीरियाज एज फूड विच लेट्स इट स्टे अलाइव. सो द प्लांट बेनिफिट्स फ्रॉम द बैक्टीरियाज एंड द बैक्टीरिया बेनिफिट्स फ्रॉम द प्लांट. मतलब प्लांट को बैक्टीरिया से बेनिफिट हो रहा है और बैक्टीरिया को प्लांट से बेनिफिट हो रहा है. अगेन दैट इज सिम्बायोसिस. द बैक्टीरिया इज द स्पेशल राइजोबियम बैक्टीरियाज. ये जो बैक्टीरियाज हम बात कर रहे हैं जिनकी जो प्लांट के नोडल में रहते हैं वो क्या होते हैं, राइजोबियम होते हैं. राइजोबियम बैक्टीरियाज जिसको बोलते हैं, जो फलीदार पौधे लेग्यूमिनस प्लांट्स में रहते हैं. इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमीज सच एज ग्राम्स, पीज, मूंग, बीन्स एक्सेट्रा. तो ये जो ना जितने भी फलीदार पौधे होते हैं, जैसे आपके मटर का पौधा हो गया, फलीदार जितने पौधे होते हैं उनकी उनकी जो जड़ें होती है वो गांठदार होती है. ऑल आर पल्सेस दाल्स आर लेग्यूमिनस टू. तो जो दाल होती है उसमें भी क्या होते हैं, दाल की जड़ों में भी ये रहते हैं, इसलिए दाल क्या होती है, हेल्थ के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती है. राइजोबियम फिक्स एटमोस्फेयरिक नाइट्रोजन एंड द प्लांट गिव इट
फूड एंड शेल्टर। राइजोबियम क्या करता है? एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है प्लांट के लिए, और प्लांट क्या करता है बदले में फूड और शेल्टर उसको प्रोवाइड करवाता है। दिस सिम्बायोसिस इज अमेजिंगली बेनिफिशियल फॉर फार्मर्स। ये जो सहजीविता है ये फार्मर्स के लिए क्या है, बेनिफिशियल होती है, क्योंकि इससे क्या होती है उनकी खेती में, मतलब उनकी फसल जो होती है वो अच्छी होती है, पैदावार अच्छी होती है। नाइट्रोजन फिक्सिंग मेक दिस सोइल फर्टाइल सो क्रॉप ग्रो बेटर। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या करता है, मिट्टी को फर्टाइल बनाता है, उसको उपजाऊ बनाता है, इसलिए वहाँ पे जो खेती होती है उसमें फसल क्या होती है, अच्छी लगती है। सो फार्मर्स डोंट हैव टू ऐड मैनी फर्टिलाइजर टू दी सॉइल। तो फार्मर्स को फर्टिलाइजर ऐड नहीं करने पड़ते। सिम्बायोसिस इज गुड इजंट इट। सिम्बायोसिस सहजीविता क्या होती है, अच्छी होती है रहने के पादपों के लिए। देर इज़ अ प्लांट कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी विच लिव इन साइड अ फंगस। फंगस के अपने अंदर आपने देखा होगा ग्रीन ग्रीन है, उन्हें हमेशा ग्रीन ग्रीन कुछ होता है, ग्रीन होती है फंगस अंदर की तरफ से, बाहर वो ब्राउन ब्राउन होती है। वो ग्रीन जो होता है वो क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोलते हैं। द एल्गी कैन मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, द फंगस कैन नॉट। सो द फंगस बेनिफिट्स बिकॉज ऑफ द एल्गी इन दिस वे। एल्गी जो होती है वो ग्रीन होती है, इसलिए वो क्या कर सकती है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू भोजन बना सकती है, खाना बना सकती है जो फंगस नहीं बना सकता। और फंगस बदले में क्या करता है, एल्गी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, मतलब उसको बाहर से कवर किए हुए होता है, इसलिए उसको क्या मिलता है, एल्गी को प्रोटेक्शन मिलता है और फंगस को क्या मिलता है, भोजन मिलता है। द फंगस प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एल्गी एंड गैदर्स मॉइस्चर। जो फंगस मॉइस्चर को गैदर करता है फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द एनवायरमेंट। द फंगस प्रोवाइड दीज थिंग्स टू द प्लांट टू। तो फंगस क्या करती है, एल्गी को ये प्रोवाइड करवाती है और एल्गी फूड उसको प्रोवाइड करवाता है। द फंगस एल्गी कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड ए लाइकेन। तो फंगस और एल्गी के इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। सो बोथ द फंगस एंड एल्गी आर बेनिफिटिंग फॉर ईच अदर, दैट इज सिम्बायोसिस। What did we just learn? Sometimes two different organisms live together and help each other. That is called a symbiotic relationship. Lichen have algae and fungi living together in symbiosis. The algae make food and fungus provide protection. नाइट्रोजन फिक्सिंग राइजोबियम बैक्टीरिया लिव इन द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस। राइजोबियम फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एंड मेक इट अवेलेबल फॉर द प्लांट। तो यहाँ पे अपना जो सेप्रोफाइटिक और सिम्बायोसिस जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपना एक टॉपिक और बचता है, वो हम अभी पढ़ेंगे। सो अपना नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है, हाउ न्यूट्रिशंस आर रेप्लेनिश्ड इन दी सॉयल। मतलब जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो हमेशा सॉयल में वैसे ही कैसे बने रहते हैं। भाई हम इतनी खेती करते हैं, इतनी चीज़ें उगाते हैं, लेकिन मतलब जैसे प्लांट्स को क्या चाहिए होते हैं, हमेशा न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं, लेकिन वो ना हमेशा उनको मिलते रहते हैं। उसके बाद में हम वापस उसी सरफेस पे क्या करते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, तो फिर से उनके अंदर वही सारी चीज़ें उनको चाहिए होती है। तो हमेशा ज़मीन में ये सब चीज़ें कहाँ से आती है और हमेशा एक जितनी कैसी बने रहती है, या फिर हम मिट्टी को हमेशा न्यूट्रिशन कैसे बना के रख सकते हैं, पोषक कैसे बना के रख सकते हैं, फर्टाइल कैसे बना के रख सकते हैं। तो प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल, देयरफॉर द अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिशन इन द सॉइल गोज ऑन डिक्रीजिंग। प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, और जो इसलिए जो सॉइल में न्यूट्रिशन की अमाउंट होती है वो क्या होती है, लगातार घटती रहती है। इन ए फॉरेस्ट दीज न्यूट्रिशन गेट नेचुरली रिप्लेनिश्ड बाय डिकेइंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉरेस्ट में क्या होते हैं, प्लांट्स बहुत सारे होते हैं और एनिमल्स भी लगातार मतलब मरते रहते हैं, तो वहाँ की जो मिट्टी है वो लगातार फर्टाइल बनी रहती है, क्योंकि उनमें न्यूट्रिशन क्या होते हैं, बार बार उसको मिलते रहते हैं। हाउएवर ऑन ए फार्म दीज न्यूट्रिशन हैव टू बी एडेड टू दी सॉइल इन दी फॉर्म ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। लेकिन जो फार्म्स जो होते हैं, खेत जो होते हैं, वहाँ पे न्यूट्रिशन क्या होते हैं, मिट्टी में मैन्योर और फर्टिलाइजर, खाद और फर्टिलाइजर के थ्रू उनको देनी पड़ती है। इफ़ क्रॉप्स प्लांट्स आर ग्रोन ईयर आफ्टर ईयर, द सॉइल विल बिकम पुअरर इन सच न्यूट्रिशन। अगर हम लगातार उस जमीन पर क्या करते रहेंगे, खेती करते रहेंगे, तो जो सॉइल है वो क्या हो जाएगी, न्यूट्रिशन के मामले में बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाएगी। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आदि मेजर न्यूट्रिशन, ये NPK हमने पढ़ा था, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये क्या होते हैं, मेजर न्यूट्रिशेंट होते हैं उसके मिट्टी के। इन एडिशन ऑफ दीज प्लांट्स ऑल्सो नीड आयरन, कॉपर, मैग्नीज एंड जिंक एसेट्रा। व्हेन फर्टिलिटी एंड क्रॉप यील्ड फॉल्स, देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिप्लेनिश्ड
दीज न्यूट्रिशन इन दी सॉल, तो हमें अगर खेती करनी है तो इन न्यूट्रिशन को हमेशा ज़मीन में बना के रखना चाहिए। तो इसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं। दिस इज़ डन बाय वन और मोर देन फॉलोइंग मेथड। फर्स्ट अपना जो मेथड है वो क्या है, बाय एडिंग फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। फर्टिलाइजर और मैन्योर को हम ऐड करके NPK अपने जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम है उसकी जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। व्हेन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर आर एडेड टू द सॉइल इन द fills, then the soil get enriched with nutrition like nitrogen, phosphorus, potassium, etc. The two common fertilizer which are used to provide plant nutrition in the fields are NPK or urea. तो इसके लिए common fertilizer दिए हुए NPK और urea. इसके अलावा जो मेथड है वो है बाय यूजिंग फर्टिलाइजर। अगेन फर्टिलाइजर और मैन्योर हमने ऐड कर लिया, बाय यूजिंग मैन्योर, बाय यूजिंग फर्टिलाइजर। फिर है बाय द क्रॉप रोटेशन मेथड। क्रॉप रोटेशन मेथड है कि मतलब भाई 6 months आप क्या करो, ऐसी क्रॉप्स लगाओ जिनको नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए और बाकी जो दूसरे मंथ्स है उनमें ऐसी लगाओ जो मतलब फलीदार, जैसे हमने भी पढ़ा था लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो अगर कोई अपनी फसल ऐसे लगाए जिसमें नाइट्रोजन का यूज़ ज़्यादा करते हैं तो उसके बाद में ऐसी फसल जो क्या करे, नाइट्रोजन फिक्सेशन करे, फलीदार हो, जो नाइट्रोजन की जो कमी है वो क्या हो जाए, उसमें पूरी हो जाए। तो हर बार अलग अलग टाइप की क्रॉप लगाने पे क्या होती है, जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो बनी रहती है। मैन्योर और स्पेंट सैलरी फ्रॉम दी बायोगैस प्लांट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो फील्ड जो होते हैं, सॉइल जो होती है उसको न्यूट्रिशन बना के रख सकते हैं बाय यूजिंग दीज मेथड्स। इसी के साथ अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है और हम जो है अब नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर आपके हैं वो हम मार्क करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया है। बाय।
सो अपना नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है हाउ न्यूट्रिशंस आर रेप्लेनिश्ड इन दी सॉयल, मतलब जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो हमेशा सॉयल में वैसे ही कैसे बने रहते हैं। भाई हम इतनी खेती करते हैं, इतनी चीज़ें उगाते हैं, लेकिन मतलब जैसे प्लांट्स को क्या चाहिए होते हैं, हमेशा न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, लेकिन वो ना हमेशा उनको मिलते रहते हैं। उसके बाद में हम वापस उसी सरफेस पर क्या करते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, तो फिर से उनके अंदर वही सारी चीज़ें उनको चाहिए होती है। तो हमेशा ज़मीन में ये सब चीज़ें कहाँ से आती है और हमेशा एक जितनी कैसी बने रहती है, या फिर हम मिट्टी को हमेशा न्यूट्रिशन कैसे बना के रख सकते हैं, पोषक कैसे बना के रख सकते हैं, फर्टाइल कैसे बना के रख सकते हैं। तो प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉयल, देयरफॉर द अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिशन इन द सॉयल गोज ऑन डिक्रीजिंग। मतलब प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं सॉयल से, और जो इसलिए जो सॉयल में न्यूट्रिशन की अमाउंट होती है वो क्या होती है, लगातार घटती रहती है। इन ए फॉरेस्ट दिस न्यूट्रिशन गेट नेचुरली रिप्लेनिश्ड बाय डिकेइंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉरेस्ट में क्या होते हैं, प्लांट्स बहुत सारे होते हैं और एनिमल्स भी लगातार मतलब मरते रहते हैं, तो वहाँ की जो मिट्टी है वो लगातार फर्टाइल बनी रहती है क्योंकि उनमें न्यूट्रिशन क्या होते हैं, बार बार उसको मिलते रहते हैं। हाउएवर ऑन ए फार्म दीज न्यूट्रिशन हैव टू बी एडेड टू दी सॉयल इन दी फॉर्म ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। लेकिन जो फार्म्स जो होते हैं, खेत जो होते हैं, वहाँ पे न्यूट्रिशन क्या होते हैं, मिट्टी में मैन्योर और फर्टिलाइजर, खाद और फर्टिलाइजर के थ्रू उनको देनी पड़ती है। इफ क्रॉप्स प्लांट्स आर ग्रोन ईयर आफ्टर ईयर द सॉयल विल बिकम पुअरर इन सच न्यूट्रिशन। अगर हम लगातार उस जमीन पे क्या करते रहेंगे, खेती करते रहेंगे, तो जो सॉइल है वो क्या हो जाएगी, न्यूट्रिशन के मामले में बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाएगी। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आदि मेजर न्यूट्रिशन, ये NPK हमने पढ़ा था, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये क्या होते हैं, मेजर न्यूट्रिशेंट होते हैं उसके मिट्टी के। इन एडिशन ऑफ दीज प्लांट्स ऑल्सो नीड आयरन, कॉपर, मैगनीज एंड जिंक एसेट्रा। वेन फर्टिलिटी एंड क्रॉप यील्ड फॉल्स, देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिप्लेनिश्ड दीज न्यूट्रिशन इन दी सॉल। तो हमें अगर खेती करनी है तो इन न्यूट्रिशन को हमेशा ज़मीन में बना के रखना चाहिए। तो इसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं। दिस इज़ डन बाय वन और मोर देन फॉलोइंग मेथड। फर्स्ट अपना जो मेथड है वो क्या है, बाय एडिंग फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। फर्टिलाइजर और मैन्योर को हम ऐड करके NPK अपने जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम है उसकी जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। वैन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर आर एट दी एडेड टू दी सॉइल इन दी fills, then the soil get enriched with nutrition like nitrogen, phosphorus, potassium, etc. The two common fertilizer which are used to provide plant nutrition in the fields are NPK or urea. तो इसके लिए common fertilizer दिए हुए NPK और urea. इसके अलावा जो मेथड है वो है बाय यूजिंग फर्टिलाइजर, अगेन फर्टिलाइजर और मैन्योर हमने ऐड कर लिया, बाय यूजिंग मैन्योर, बाय यूजिंग फर्टिलाइजर। फिर है बाय द क्रॉप रोटेशन मेथड। क्रॉप रोटेशन मेथड है कि मतलब भाई 6 months आप क्या करो, ऐसी क्रॉप्स लगाओ जिनको नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए, और बाकी जो दूसरे मंथ्स है उनमें ऐसी लगाओ जो मतलब फलीदार, जैसे हमने भी पढ़ा था लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो अगर कोई अपनी फसल ऐसे लगाए जिसमें नाइट्रोजन का यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो उसके बाद में ऐसी फसल जो क्या करे, नाइट्रोजन फिक्सेशन करे, फलीदार हो, जो नाइट्रोजन की जो कमी है वो क्या हो जाए, उसमें पूरी हो जाए। तो हर बार अलग अलग टाइप की क्रॉप लगाने पे क्या होती है, जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो बनी रहती है। मैन्योर और स्पेंट सैलरी फ्रॉम दी बायोगैस प्लांट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो फील्ड जो होते हैं, सॉइल जो होती है, उसको न्यूट्रिशन बना के रख सकते हैं बाय यूजिंग दीज मेथड्स। इसी के साथ अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है, और हम जो है अब नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर आपके हैं वो हम मार्क करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया है। बाय।